लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का News29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच राजधानी में लगातार कोरोना बम फूट रहा है, जिसने स्थानीय प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। राजधानी भोपाल में आज फिर कोरोना के 45 मामले सामने आए। उसी बीच जिला कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने शहरवासियों से सर्वे और स्कैनिंग करने वाली टीमों के साथ कोऑपरेट करने की अपील की है। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान यह बात सामने आई है कि जिन लोगों को समय पर इलाज मिल जाता है, वह इससे पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर में स्वास्थ्य और जिला प्रशासन की जो टीमें सैंपलिंग और स्कैनिंग के काम में जुटी है, उनके साथ शहरवासियों को कोऑपरेट करना चाहिए। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने आगे कहा कि कुछ लोग अब भी जानबूझकर जागरूकता का परिचय नहीं दे रहे हैं और बीमारी को छुपाने में लगे हुए हैं। उनको जागरूक नागरिक होने के चलते कोरोना के कुछ भी लक्षण होने की स्थिति में सामने आकर सब कुछ सच बताना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, News29 इंडिया। कोरोना वायरस के संक्रमण में ये बात देखने में आई है कि जिन लोगों का भी अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, वो लोग स्वस्थ हो जाते हैं। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो सैंपलिंग और टेस्टिंग लगातार चल रही है, जो हमारी टीमें सर्वे कर रही हैं, स्क्रीनिंग कर रही हैं, उन टीमों के साथ आप कोऑपरेट करें। आप कोऑपरेट करेंगे और यदि आपको इसके लक्षण होंगे तो आप अर्ली डिटेक्ट हो जाएंगे, तो आप पूरी तरह से जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। इसमें इसको छुपाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग इसको छुपाकर ऐसा सोचते हैं कि हम इससे बच जाएंगे, लेकिन मेरा आप सबसे ये कहना है कि इसे बिल्कुल मत छुपाइए। बताइए यदि आपको कोई भी लक्षण आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, बुखार आ रहा है, जुकाम है, या फिर आपके गला खराब हो रहा है, तो आप ज़रूर आगे आके हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या जो हमारी स्क्रीनिंग टीम आपके एरिया में आ रही है या जो सैंपल करने वाली टीम हमारी आपके एरिया में आ रही है, उनको ज़रूर बताएं। और यदि आप फ़ोन करके बताना चाहते हैं तो हमारा जो लैंडलाइन नंबर है 0755-270-4201, इस पे आप इसकी जानकारी दें तो हमारी टीम स्वयं आपके पास पहुंचेगी आपकी देखरेख करने के लिए, आपके पूरे परिवार को सुरक्षित करने के लिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए News29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।